क्या आप जानते हैं कि आप 5 मिनट में अपनी वीडियो क्वालिटी को दुगना बढ़ा सकते हैं इस एडिट को यूज करके। अब आप भी प्रोफेशनल एडिटर की तरह आर्टिकल को हाईलाइट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी ट्रिक होती है जो एक एडिटर को प्रोफेशनल बनाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी प्रोफेशनल तरीके से आर्टिकल को हाईलाइट कर सकते हैं एंड एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की तरह अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। ऐसी एडिट करके आप अपने व्यूअर्स का हुक अपने ओर खींच सकते हैं, इससे आपके व्यूअर्स बोर नहीं होंगे। लेट्स सी कि इसे कैसे बनाते हैं। शॉर्ट का प्रोवर्जन चाहिए तो कमेंट कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, एडिटर फोटो पे जाना है एंड ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड पर क्लिक करना एंड ये ट्रांसपेरेंट वाला सेलेक्ट कर लेना, पीछे से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। एंड देन आपको नीचे से स्क्रॉल करना है एंड ऐड अ फोटो पर क्लिक करना एंड उस आर्टिकल को आपको ऐड करना है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर। वो आर्टिकल मैंने ऐड कर लिया है एंड इसका साइज अब थोड़ा छोटा ही रखना, मैंने ज़्यादा बड़ा कर लिया था, इसको थोड़ा छोटा ही रखना हल्का सा। एंड देन आपको नीचे से स्क्रॉल करना है एंड कटआउट वाला ऑप्शन में जाना है एंड शेप्स में जाना है एंड ये फर्स्ट वाला शेप को आपको अप्लाई करना है एंड इसको मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है, आर्टिकल को फुलफिल कर देना है इस शेप से। इसको फुलफिल करने के बाद राइट क्लिक कर देना एंड देन आपको नीचे से शेडो पे जाना है एंड ब्लर एंड ओपेसिटी को हाई कर देना है एंड पोजिशन में जाके ऊपर वाले को 8% कर देना, नीचे वाले को 10% कर देना। देन राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेना, फिर पिक्सल लैब ओपन करना एंड टेक्स्ट लिखा हुआ उस पर डबल क्लिक करना एंड इसको रिमूव करके स्पेस दे देना आप 3-4 बार एंड ज़्यादा बार दे देना स्पेस, जितनी बार मैं दे रहा हूँ उतना स्पेस दे के ओके पे क्लिक कर देना। आपको ए वाले सेक्शन में जाना एंड नीचे स्क्रॉल करना, बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखेगा इसको इनेबल कर देना एंड इसको इनेबल करने के बाद आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, लाइक ग्रीन या येलो, तो मैं ग्रीन लेता हूँ एंड इसको थोड़ा स्क्रॉल करना या नीचे रेडियस का ऑप्शन आएगा, इसको आपको 15 कर देना है। इसको 15 करने के बाद आपको ओके कर देना एंड आप चाहो तो इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो अगर आपका आर्टिकल लंबा हो तो। बाय द वे मेरा छोटा ही है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, अपने मीडियम ही रखता हूँ एंड मैं राइट क्लिक कर दिया एंड इसको ट्रांसपेरेंट करके इसको भी सेव कर लेना एंड हो गया आपका आधा काम समझ लो। अब आपको कैपकट ओपन करना है और बैकग्राउंड ऐड कर लेना जिस बैकग्राउंड पर आप लगाना चाहते हो आर्टिकल वगैरह। तो मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड ले लिया है एंड इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लाइक मैंने 5 सेकंड किया है एंड ऐड ओवरले पे जाना है एंड उस आर्टिकल को ऐड करना है जो आपने पिक्सआर्ट में बनाया था, पिक्सआर्ट वाला आर्टिकल को इसमें ऐड करना है एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना साइज़ को, आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, लाइक मैंने इतना रखा तो मैं इतना ही रखता हूँ एंड इसकी लेंथ भी बढ़ा लेना एंड देन आपको जाना है एनिमेशन के अंदर। इन एनिमेशन के अंदर जो आपकी वीडियो पर सूटेबल हो वो लगाना, लाइक आप कोई सा भी नहीं लगा सकते, लाइक मैं लगाता हूँ, मैंने लगाया स्विंग वाला, ये फिर भी ठीक है बट मैं अभी इसमें वीडियो इस वीडियो में यूज़ करूँगा मैं शेक डाउन वाला, मैंने शेक डाउन वाला यूज़ किया है। एंड आउट एनिमेशन में जाना, आउट एनिमेशन में आप कोई प्रोफेशनल लगा सकते हो, लाइक ये ऊपर स्लाइड वाला, स्लाइड अप वाला, मैंने स्लाइड अप वाला लगाया एंड ये ब्लू वाली लाइन को आपको 8% कर देना 0.8 सेकेंड एंड इसको राइट क्लिक करना एंड आप देख सकते हो ये इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐड ओवरले पे जाके उस ग्रीन लाइन को ऐड करना है जो पिक्सल लैब के अंदर बनाई थी एंड इसको आप आज जिस आर्टिकल को हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर फुलफिल कर देना, लाइक मैंने इतना कर दिया है। एंड अब आपको क्या करना है, इस लेयर पे क्लिक करना एंड नीचे से स्क्रॉल करना, मास्क पे जाना है एंड हॉरिजॉन्टल पे जाना, हॉरिजॉन्टल पे जाके इसको -90 डिग्री आपको कर लेना दोनों उंगलियों से पकड़ के, -90 डिग्री घुमा के इसको जैसे इनविजिबल रहे उतना कर लेना। देन यहाँ पर आपको एक की फ्रेम ऐड करना है एंड की फ्रेम ऐड करने के बाद ऐसे आप, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इससे भी प्रोफेशनली लाइक बारीकी से काम करना चाहते हैं तो इससे भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं, लाइक आपको एंड पे की फ्रेम देना है, एंड से थोड़ा सा पहले की फ्रेम दे के इसको फिल कर देना है। लाइक अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऊपर वाले लेयर को मैं आगे खींच लेता हूँ, ऊपर वाले लेयर को खींचने के बाद एंड इसको आपको एडजस्ट करना है कि आपका आर्टिकल जब आपकी वीडियो में रहे तब तक ये ग्रीन लाइन रहनी चाहिए, जब ये आर्टिकल आपके एनिमेशन में आ रहा है या जा रहा है तब आपको इसे को नहीं रखना है ग्रीन लाइन को। एंड अब आपको क्या करना है, मास्किंग में जाना है एंड वहाँ जहाँ आपने 2 की फ्रेम लगाए थे उन दोनों के बीच में एक ग्राफ लगा देना इरेज आउट 3 का, ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। एंड अगर आप नीचे वाली लाइन को भी हाईलाइट करना चाहते हैं, दोनों लाइनों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर वाले लेयर को बढ़ा देना है थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने बढ़ाया एंड इसको डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट करके इसके नीचे ले आना है
इसको नीचे लाने के बाद जो सेकेंड वाला की फ्रेम था ऊपर वाले लेयर का इसके इक्वल रख देना है। एंड इसको आप नीचे वाले आर्टिकल के लाइन पर सेट कर देना अपने हाथ से स्क्रीन पे। लैग आप देख सकते हो नीचे वाला भी सेट हो गया बट ऊपर वाला एकदम से गायब हो गया। तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले को पकड़ के इसकी लेंथ बढ़ा देनी है। लैग ऊपर वाले को पकड़ा एंड इसकी लेंथ बढ़ा दो, जो सेकंड वाला आर्टिकल की लाइन तक इसकी लेंथ बढ़ा दो। एंड ऊपर वाले को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जितनी आपकी वीडियो रखनी है आपको। देन ऊपर वाली ग्रीन लेयर पर क्लिक करना एंड स्प्लाइस में जाना। स्प्लाइस पर क्लिक करके आप इसमें ब्लेंडिंग में कोई सा भी आप दे सकते हो जो कि सूटेबल लगे। लाइक आर्टिकल में आप कलर बर्न में करोगे तो येलो हो जाएगा, अगर आप थोड़ा डबल कलर रखना है तो आप कलर बर्न कर सकते हो, बाकी मैं डार्कन रखता हूँ स्प्लाइस में जाकर। एंड आप देख सकते हो अपनी वीडियो का 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल वर्क बाकी है इसके अंदर जो कि है वीडियो इफेक्ट। इफेक्ट में जाकर वीडियो इफेक्ट में जाना एंड आपको जाना नाइट क्लब के अंदर। नाइट क्लब में जाने के बाद आपको रिबाउंड स्विंग वाला एक इफेक्ट देखने को मिलेगा थर्ड नंबर पे ऊपर से, इसको आपको अप्लाई करना है। इसको आपको क्लिक करना है एंड ये कुछ ज़्यादा शेक हो रहा अभी इसमें, तो इसको पहले ओवरले पे क्लिक कर देना आपको ऑब्जेक्ट में जाके। एंड ये थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है तो इसको मतलब आपको थोड़ा स्लो करना है, तो एडजस्ट में जाना एंड इसकी स्पीड को कम कर देना। लाइक मैंने इतनी करी है, बाकी फिर भी ये ज़्यादा हिल रहा है तो मैं इसकी स्पीड और कम करूँगा। इसकी लेंथ अपने आर्टिकल के इक्वल रखना, जितना आपका आर्टिकल है उतनी उस इफेक्ट की लेंथ होनी चाहिए। लाइक मेरा आर्टिकल इतना है तो इस इफेक्ट की लेंथ मैं इतनी करता हूँ एंड ये सब इक्वल होगा, मतलब परफेक्ट अप्लाई हो चुका है ये इफेक्ट। तो आप क्या करना है कि ऊपर वाला आर्टिकल तो हिल रहा है बट इसका जो हाइलाइटर है वो नहीं हिल रहा है। अब आपको क्या करना है, पहले तो मैं इसकी स्पीड और कम कर देता हूँ, इसकी स्पीड और कम कर देनी थोड़ी सी ऊपर और नीचे की। एंड देन इसको डुप्लीकेट करना दो बार आपको, ये 3 लेयर बन जाएगी। सेकंड वाले लेयर पर क्लिक करना एंड अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेना एंड सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में जाना एंड ओवरले पर क्लिक कर देना, थोड़ा सा और वीडियो को आगे करना है। नीचे वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है एंड जो लास्ट वाला ओवरले था थर्ड वाला सेकंड वाला हाईलाइट उस पर क्लिक कर देना है। एंड आप देख सकते हो कि दोनों इक्वली परफेक्टली मूव हो रहे हैं एंड समझ लो आपका काम हो चुका है एंड ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऐसे ही मोर अमेजिंग एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना।